भारतीय रेलवे में तमाम नियम कायदों को चुनौती देते हुए किस तरह से टिकटिंग में दलाल अपने जुगाड़ फिट कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन एक खुलासे में लखनऊ में तो हालात और भी खराब है। यहाँ बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की फर्जी लेटर हेड भी इनके काम को आसान बनाते हैं। कल से मैं यहाँ 10 बजे से मौजूद हूँ। खुद की आईडी है, खुद का नाम है। एक एक आदमी तीन तीन दिन से यहाँ पड़ा हुआ है और टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों हमें वहाँ से लाइन लगा के बाहर लाया जाता है और यहाँ अंदर लाने में एजेंट लोग के आदमी अंदर घुस जाते हैं और जो ओरिजिनल लेने वाला है वो पीछे हो जाता है। हमारों को, मैं बम्बई से आया हूँ, यहाँ पर मैं अपने लड़के की शादी किया है और वो लड़के की शादी करके हम अपनी लड़की को विदा करके लेके जाना चाहता हूँ, मगर हमें 4 दिन से परेशान हूँ कि मैं जो 6 टिकट नहीं मिल पा रहा हूँ। दलाल से तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं। दलाल तो मिलता भी नहीं, वो लोग पैसे का अपनों मालूम नहीं अपनों इधर का। कुछ वीआईपी कोटा के, विकलांग कोटा के, लेडीज कोटा हो गया, इनसे कराते हैं और हमको देते हैं टिकट। कंफर्म टिकट छोड़ दीजिए आप सर, 2-3 महीने के बाद का टिकट नहीं मिलता। नहीं मिलता, कल का टिकट मिल जाएगा आपको, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। हाँ, दलाल से एकदम कन्फर्म टिकट मिल जाएगा आपको। एक टिकट है 1500-1000। रेलवे में इन दिनों टिकट कंफर्मेशन को लेकर चल रही लंबी वेटिंग यात्रियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लखनऊ से दिल्ली या डेस्टिनेशन हो दक्षिण और या फिर जा रहे हो पहाड़ों की सैर पर, आप कहीं भी जाने का प्लान बना रहे हो तो आरक्षण के लिए टिकट काउंटर पर मारामारी आज आम हो गई है। इसी आबाधापी में आरक्षण के दलाल बड़ी ही आसानी से अपनी चांदी काट रहे हैं, लेकिन शायद रेलवे के पास इस स्थिति से निपटने का कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं है। तभी वो मौजूदा आरक्षण नियमों के अलावा और कुछ बता पाने की हालत में नहीं है। रेलवे प्रशासन ने 10 बजे से आरक्षण में तत्काल की व्यवस्था की गई है। तत्काल आरक्षण जो है वो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होती है, वो 9 बजे बाहर लाइन लगा के प्रत्येक व्यक्ति को उसके आईडी प्रूफ के साथ उस फॉर्म पिंक कलर के दिए जाते हैं, उससे वो काउंटर पर जो है अपनी आईडी प्रूफ दिखा के अपना आरक्षण प्राप्त कर सकता है। जाहिर है रेलवे में दलाल अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुके हैं कि उनको हिलाने के लिए फिलहाल तो कोई ठोस तरीका रेलवे इजाद नहीं कर पाया है। लेकिन रेलवे की एक जाँच में ये मालूम जरूर चला है कि ये दलाल बड़े नेताओं मंत्रियों के नाम पर फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल कर बड़ी ही आसानी से वीआईपी कोटे की सीट पैसे लेकर बेच रहे हैं। हमने इसको दिल्ली मुख्यालय, सतर्कता मुख्यालय को सारे जो संदेहास्पद जो फैक्ट्स हमें लगे, जिन पर हमें संदेह था कि ये ओरिजिनल नहीं है, उनको हमने अपने सतर्कता मुख्यालय को भेजा। सतर्कता मुख्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर कुछ पैसेंजर से पूछताछ की और आगे की छानबीन की, और उसके बाद जैसी कि सूचना आई है दिल्ली पुलिस ने इस पर एक केस दर्ज किया है। और जो मेरा संदेह था, लखनऊ मंडल ने जो रेफर किया था वो सही पाया गया, उसमें 5 लेटर हेड फर्जी पाए गए। वाकई में जो हालात रेलवे में इस वक्त हैं वो गंभीर है। साफ है सामान्य से लेकर कोटे की सीट आज सभी पर टिकटों के दलाल कुंडली मारे बैठे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए मालूम नहीं कितना वक्त लगेगा। लेकिन वीआईपी कोटे में आरक्षण हासिल करने वाले यात्रियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हो रही जांच की आंच आप पर भी आ सकती है। गोपाल सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।